ठाकुरपुरा ट्रेन बाजार चमन में जो एसएम जाफर भाई और जो अबूबकर सिद्दीकी साहब दोनों मिलके जो जेके अकादमी कराटे अकादमी चैंपियनशिप की तरफ से जो 26 अप्रैल दुबई में जो अल मजार स्टेडियम में जो दुबई के यूएई में जो उन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आईएफके 2019 कप सिद्दीकी साहब अबूबकर सिद्दीकी साहब जो फर्स्ट प्राइज जो जीत के आए और जो एसएम जाफर साहब जो सेकंड प्राइज जीत के आए बहुत खुशी की बात है। हम लोगों को ये खुशी लग रही है हमारे इंडिया से जो फर्स्ट टाइम जो ब्लैक बेल्ट के जापान के डान ब्लैक बेल्ट के डान जापान के तरफ से जो हासिल करके आज जीत से हासिल करके इंडिया से इंडिया को अगर वापस आए हमारा जो बार बार बोलते हैं हमारे केसीआर साहब जो सीएम साहब हमारा तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना है ये सुनहरा तेलंगाना में हमारा सोने के जैसे हमारे भाई है हमारे ओल्ड सिटी के तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हर मजहब के जो सिख ईसाई के तरफ से जब सब मजहब के हम ओल्ड सिटी में हम लोग पूरे मिलजुल के रहते हैं ऐसा भाई हमारे जाफर भाई और जो सिद्दीकी साहब आप बहुत हासिल करके जीत हासिल करके और फर्स्ट सेकंड प्राइज जीत के बहुत खुशी से घर पहुंचे हैं बहुत खुशी की बात है। मैं ये मेरा भाई है हम लोग मिलजुल के ऐसा रहते हैं ये भाइयों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ इनके काम में और इनके हर काम में हर जीत में इनको तरक्की देना बोल के मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ। ऐसे हमेशा इन लोग हर प्रोग्राम हर कॉम्पिटिशन में हमारे भाई फर्स्ट प्राइज लेके आना मैं दुआ कर रही हूँ। इंटरनेशनल में और हर वर्ल्ड में हर एक स्टेट में इन लोगों का नाम मशहूर होना हमारा तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनना सुनहरा तेलंगाना के हमारे जो सोना है हमारा सोना नहीं बल्कि हीरे जैसे हमारे जो भाया है मैं ये हमारा तेलंगाना कैसे आशा भी मैं ये हमारे तेलंगाना टीआरएस पार्टी से मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ हमारे कैसे आशा के बात लेके जाके हमारे तेलंगाना की तरफ से जो कराटे जो सबसे जो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जो कराटे यहाँ पे बहुत चलता है जो सेफ के लिए हर हर बच्चों के लिए ये वो सेफ साइड के लिए कराटे है इसमें जो जो पार्टिसिपेंट जो मास्टर्स हैं इन लोगों के लिए मैं हमारे केसर साहब से जो मैं वादा करती हूँ मैं इनके तरफ से जो मैं केसर तक ये बात लेकर जाके मैं इनको मैं इंसाफ दिलाती हूँ बल्कि मैं मेरे तरफ से मैं हमारे पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ जय तेलंगाना जय जय केसर। मैं ज़फ़र मोहिउद्दीन तेलंगाना से इंडिया तेलंगाना से इंटरनेशनल चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट का अलहमदिल्ला दुबई में था अल मंजूर स्पोर्ट्स हॉल में 26 अप्रैल के दिन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप था जिसमें अपने इंडिया से दो फाइटर्स पार्टिसिपेट करे अबूबकर और मैं ज़फ़र मोहिउद्दीन मैं एज ए ऑफिशियल गया था और वहाँ पर पार्टिसिपेट भी करा इंटरनेशनल रेफरी भी करा हूँ वहाँ पर और पार्टिसिपेट भी करा अलहमदिल्ला दो कंट्री को नॉकआउट करा हूँ मैं और वेदर वेट पे फाइट करा ये भी अलहमदिल्ला स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेशनल खेला इस बार इंटरनेशनल खेला अलहमदिल्ला और ये रनबरा चमन जी चैम्पियनशिप प्ले ग्राउंड में जेके कराटे अकेडमी चलता है जिसमें 50-60 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर अलहमदिल्ला अब तक यहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल खेले थे अब इस वक्त और एक लड़का भी खेला है अबूबकर सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलहमदिल्ला मैं कोच है मैं पहले डिस्ट्रिक्ट खेला फिर स्टेट खेला फिर नेशनल खेला केरला में अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख 14 में अप्रैल की 2019 में अल मामज़ार दुबई अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियनशिप फर्स्ट पहला नंबर लाया ये मेरे मास्टर है ये इनकी वजह से मैं ये सब कर चुका हूँ यहाँ तक लेवल तक आ चुका हूँ इंशाल्लाह आप सबकी दुआ रही तो इंशाल्लाह आगे भी खेलूँगा इंशाल्लाह हमारे जो बुलाए थे शमशीर सनसी बुलाए और ये हमारे ज़फ़र मास्टर है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह जीत के आएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप करूँगा इंशाल्लाह
और उस पर भी नंबर वन लाऊँगा इंशाल्लाह। ये भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई हम लोग का स्पॉन्सर नहीं मिला था यहाँ पर जाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह खुद से हम लोग जाने का पूरा खर्चा वहाँ पर लगा के गए। आने के बाद में यहाँ पर निज़ाम भाई, मोइन भाई, ये जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं प्रोग्राम, ये इसके निज़ाम भाई और मोइन भाई ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इसका स्पॉन्सर। इंटरनेशनल जो भी हम लोग खर्चा हुआ जाने के लिए, यहाँ तेलंगाना से कोई हम लोग को मदद नहीं मिली, वीज़ा टिकट वगैरह वहाँ पर तो सिलेक्शन हुआ था हम लोगों का, वहाँ पर तो फीस नहीं लगी हम लोगों को, लेकिन जाने के लिए जो खर्चा आया वो यहाँ से कोई गवर्नमेंट से हम लोग को नहीं मिला। गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहे हैं कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सपोर्ट हम लोग गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, कम से कम जाने के लिए स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल रही, सेट के अभी तक इंडिया का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर नाम करें हम लोग, कोई जॉब के लिए अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला हम लोग को। कैसे आप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे जो खेल रहे इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ जॉब के लिए कुछ रास्ता निकाले इसके लिए। स्टूडेंट्स तेलंगाना ये रनबदा जी चमसी प्ले ग्राउंड में करीब तकरीबन 80 से 90 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई फैसिलिटीज गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा बच्चों को। टैलेंटेड बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अच्छे फाइटर्स हैं, लेकिन उन लोग को खेलने के लिए कोई पैसे का कोई जरिया नहीं है उन लोगों को आगे जाने का। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो है कि बच्चों को दुनिया के कोने कोने में खिलाने की उम्मीद है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई हेल्प करे तो। मेरा नाम मोइन है, मैं रनबाजार चमन का रहने वाला हूँ। ज़फ़र साहब की काफ़ी मेहनत है इसमें और बच्चों को सुबह जो है ट्रेनिंग की जाती है, तो मेरा कुछ बोलना ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ, जो बच्चे तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन करना चाहते हैं उनकी हेल्प किया जाए, क्योंकि बच्चों को कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि ये बच्चे अपने जेब से पैसा लगा के फॉरेन कंट्रीज़ को जाके अपना जेब का पैसा लगा के फ़ाइट लड़ के जीत के आए हैं। मैं ख़ास तौर पे तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनको जो है MLA कोठा हो या MP कोठा हो, जिसमें स्पोर्ट्स का जो है रहता है ज़्यादातर, उससे हेल्प मिले और इनके लिए जॉब्स के लिए और काफ़ी जो भी इनके आगे चल के फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके लिए जो है ख़ास तौर पर अपील करता हूँ।